पश्चिम बंग चा मजदूर समिति ने डुवार्स के इतिहास को लेके एक वीडियो बनाया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में जमीन मालिक मजदूर चाय बागान के किस तरह से कहां से आए उसका विवरण दिया गया है। डुवार्स का इतिहास भूटान और कोच के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष का क्षेत्र था डुवार्स। 1772 में डुवार्स के ऊपर कब्जा करने के लिए भूटान नीचे उतरा, कोच के ऊपर भी कब्जा किया। फिर कोच के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता लेके युद्ध करवाया, जिसे सबसे पहला एंग्लो भूटान युद्ध कहा जाता है, और उसकी वजह से फिर से कोच को अपना अपना राज्य फिर से वापस मिला। इस युद्ध के दौरान लेकिन डुवार्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया, और एक शताब्दी के बाद 1864 में फिर से एक युद्ध युद्ध हुआ, जिसे दूसरा एंग्लो भूटान युद्ध बोला जाता है। और उस टाइम पर अंग्रेजों ने डुवार्स पर कब्जा किया, और इस कब्जे के बाद सिंचला बोल के एक जगह में संधि हुई, हस्ताक्षर हुआ वहां पे, और इस तरह से ब्रिटेन के पास पूरा द्वार्स का इलाका चला आया। तो अब देखते हैं द्वार्स के इलाके को लेके ब्रिटिश ने क्या किया। सबसे पहले तो जमीन के मुद्दे पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पूरे द्वार्स की जमीन अपने कब्जे में ली और अपने को ही उसका मालिक माना। उन्होंने इस जमीन को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी थी कृषि जमीन की, जहां पर जो जोतदार थे उन्हें भूमि का पट्टा दिया गया। दूसरा था जंगल की जमीन। जंगल की जमीन किसी को नहीं दी गई और पूरा ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना ही कब्जा उस जमीन पे रखा। तीसरा जो था वो थी चाय की खेती की जमीन। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने, कंपनियों ने, नियोक्ताओं ने आके जमीन पर चाय उगाना शुरू किया, और अंग्रेजों ने लीज पे इस जमीन को मालिकों के पास दिया। पहले 5 सालों के लिए दिया जाता था, उसके बाद अगर अच्छा से काम करते थे तो 30 सालों के लिए, और उसके बाद फिर से और भी ज्यादा समय के लिए उन्हें ये जमीन लीज पे दी जाती थी। तो मालिक कौन थे? मालिक थे 1841 में सबसे पहले चाय की खेती दार्जिलिंग में शुरू हुई, और द्वार्स में 1874 और 1876 के बीच में गजल डोबा चाय बागान शुरू हुआ। दोनों जगह को मिला के, द्वार्स और दार्जिलिंग को मिला के 1901 तक 405 बागान हो गए थे, और ये सब लेकिन यूरोपियन लोगों के हाथों में नहीं थे, ब्रिटिश के हाथ में नहीं थे, कई वहां पे हिंदुस्तानी थे। मालिक इस तरह के थे, अंग्रेज मालिक, फिर मालिक इस तरह के भी थे, हिंदुस्तानी मालिक, जो कम से कम 10% बगानों पर इनका कब्जा था। मजदूर कहाँ से आए? अब मजदूरों का अगर सिलसिला लें तो सबसे पहले असम में अंग्रेजों ने चीन से ही श्रमिक मंगवाए, क्योंकि ये लोग चाय की खेती जानते थे। फिर इन्होंने स्थानीय लोगों को व्यवहार करने का कोशिश किया, और अंत में आदिवासियों, आदिवासी जो श्रमिक थे वहां के स्थानीय, उनको भी इस्तेमाल करने का कोशिश किया, लेकिन सभी विद्रोही निकले। कोई भी उनकी बात ठीक से सुनता नहीं था, और जितना वो शोषण करना चाहते थे उसको ये लोग सहन नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ते में जाके वहां पे कुछ यूरोपीय लाइसेंस प्राप्त श्रमिक ठेकेदार थे, उनको उनको जाके कहा कि आप हमको मजदूर हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। ये जो लाइसेंस वाले ठेकेदार थे, इनके नीचे अरकाटी बोल के कुछ पेशावारी लोग थे, जो लोग जिनका काम ही था लेबर को लेके आना। तो इन लोगों को फिर जिम्मेवारी दी गई जाके लेबर लाने की। तो ये लोग गए छोटे नागपुर में, कई दूर दूर की जगहों में गए, और वहां पे उन्होंने मजदूरों को झूठे वादे दे के बहला फुसला के उनको ले आए। कईयों को तो ऐसी भी कहानियां हैं उस टाइम पे कि लोगों को खाने पीने में नशीला पदार्थ दिया गया, और उसकी वजह से वो बेहोश हो गए, और फिर बेहोश लोगों को जबरन वो लोग खींच के लाए और यहाँ के चाय बागानों में उनको काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिस्टम भी बहुत महंगा पड़ना शुरू हो गया ब्रिटिश ठेकेदारों के लिए, और उन्होंने फिर देखा कि कई लोग भाग जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कानून ठीक किए, कानून पारित किए, जहां पे अगर मजदूर भाग जाता था तो उसको पकड़ने का और जुर्माने करने का प्रावधान था, और जो लोग इन भगौड़ों को पकड़ते थे उनको भी इनाम मिलता था, और जितनी कमाई होती थी मजदूर की उसके बीच में, भविष्य की कमाई उसके बीच में से एक हिस्सा उन्हें मिलता था। तो इसलिए भगौड़ों को पकड़ने के लिए भी लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि ये एक इनकम का सोर्स हो गया उन लोगों के लिए। जब कुछ सालों बाद बगान के मालिक ने देखा कि यूरोपीय ठेकेदार बहुत महंगे पड़ रहे हैं, उन्होंने स्थानीय सरदारों को इस्तेमाल करना शुरू किया। सरदार लोग कौन थे? सरदार लोग थे गाँव के ही लोग जो चाय बागानों में काम कर रहे थे, वो अपने गांव वापस जाते
और वहां से लोगों को समझा के काम पे ले आते, झूठे झूठे वादे करके ले आते। और इस टाइम वो लोग बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को, सभी को, पूरे परिवार को ही ला रहे थे। पूरे परिवार को लाने का फायदा क्या था, मालिक भी चाहता था पूरा परिवार आए, क्योंकि उससे बच्चों से भी काम करवा सकता था, महिलाओं से भी काम करवा सकता था, और भविष्य में जो श्रमिक है उसका सप्लाई भी ठीक ठाक रहता था उसकी वजह से। और मालिकों ने हर सरदार को अलग अलग दर पे पैसे दिए, बच्चों के लिए एक एक रेट था, महिलाओं के लिए और एक रेट, पुरुषों के लिए और एक रेट। इस तरह से बगान में मजदूर आने शुरू हुए। वीर मजदूर वहां पे रह क्यों गए, कारण ये था, सबसे पहले तो अगर मेरा मालिक मुझ पे अत्याचार भी करता है, मैं दूसरे बगान में नहीं जा पाऊंगा। कारण यह है कि आपस में मालिकों की सहमति थी कि एक बगान का मजदूर दूसरे बगान में काम नहीं कर पाएगा। लेबर लाइन में सरदार भी रहते थे और वो लोग देखते थे कि मजदूर भाग ना जाए और ठीक से काम करे। उसके अलावा श्रमिक लोग भाषा भी नहीं जानते थे, और अगर वो कुछ गड़बड़ करते थे तो उनको बगान से निकाल दिया जाता था, और कोई जगह नहीं थी उनको जाने के लिए, ना भाषा जानते थे ना उस स्थान को जानते थे। इसलिए किसी भी तरह का विद्रोह आस्ते आस्ते बंद होना शुरू हुआ और डरे आज्ञाकारी मजदूरों का बल निर्माण हुआ। नियोक्ताओं ने श्रमिकों पर बहुत अत्याचार किया और बहुत सा उनसे पैसा खींचा, उनसे शोषण किया उनका। जैसे 5 वर्षों के लिए जब उन्हें जमीन दी जाती थी, बोला जाता था कि 5 वर्षों के बीच में उन्हें 8वां हिस्सा साफ कर देना है। तो इसकी वजह से वो लोग मजदूरों के ऊपर भी जोर देते थे, किसी को भागने नहीं देते थे, और फ्रंटियर राइफल जैसे बंदूकधारी सैनिकों को व्यवहार करके उन्होंने बगानों में इनको तैनात किया, जिससे लोग ना भाग सके। इस तरह से श्रमिक और उनके परिवार, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, उसी जमीन पे उसी झोपड़ियों में रहने लगे, और चाय के श्रमिक के बच्चे फिर से चाय बगान में ही गुलाम होके रह गए। इसके बाद आई आजादी। आजादी से बहुत फर्क पड़ा वो नहीं, वेस्ट बंगाल एस्टेट्स एक्विजिशन एक्ट 1953 में पारित किया गया। इस कानून में क्या था, इस कानून के द्वारा सरकार ने सब जमीन वापस ले ली, स्वाधीन स्वतंत्र देश के हाथ में जमीन वापस ली, और उस जमीन को लेके, लेकिन उन्होंने 14 अप्रैल 1955 को जलपाईगुड़ी की सब जमीन वापस ले ली। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी के बाद उन्होंने घोषणा की कि जो मध्यस्थ थे, जो नियोक्ता थे, जिन्होंने लीज लिया था, उनके अधिकार बरकरार रहेंगे। तो इसलिए जिस जमीन पर श्रमिक रहते थे और जिस जमीन पर चाय बागान थी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं किया गया, और चाय बागान के ऊपर जिस तरह से मालिक का अधिकार था, मजदूरों के रहने के घर के ऊपर भी उनका अधिकार रह गया। तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार ने किया था उसी को चालू रखा, और इस तरह से स्वतंत्र भारत में चाय बागान के मजदूर गुलाम बने रह गए, और आज तक ये गुलामी चल रही है।